हेलो नमस्कार। आज है 4 फरवरी 2019 और 4 फरवरी 2019 तक के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक का पूरा देखते रहें और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी याद में 100 रुपए के सिक्के को जारी किया गया है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी याद में 100 रुपए के सिक्के को जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 100 रुपए का अभी हाल ही में एक सिक्का जारी किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात आई है तो आप ये देखिए, ये है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको वर्ष 2015 में भारत रत्न से ही सम्मानित किया गया है और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और सन 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। और मैं आपको डेली बोलता हूं, आप डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करिए, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करिए पर डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना पूरा दिन उसमें लगा दीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइपिंग मिस्टेक है यहां, हाल ही में किस राज्य में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया गया जिसके बाद वह भारत का सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में अभी हाल ही में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जिसके बाद वहां पे भारत का सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य हो गया है। तो आप केरल की बात आई है तो आप मैप में देखिए, यह है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के अभी वर्तमान के सीएम है पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर है पी सदाशिवम। तो इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है हाल ही में स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा कि अभी हाल ही में उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चगारी प्रवीण कुमार। ये हैं चगारी प्रवीण कुमार जिन्हें अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कौन से देश आधिकारिक रूप से यूनेस्को से अलग हुए हैं? हाल ही में कौन कौन से देश आधिकारिक रूप से यूनेस्को से अलग हुए हैं? इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसमें भी मैंने ये बात रखी थी कि कौन कौन से देश अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से अलग होने की बात किए थे तो अब वो अलग हो चुके हैं तो वो इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है इसराइल और यूएसए। इसराइल और यूएसए यूनेस्को से अभी अलग हो गए हैं। अब बात आई है दोस्तों यूनेस्को की, तो आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी यूनेस्को के प्रेसिडेंट हैं ऑड्रीव अजोले। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को विलय की मंजूरी दी है, यह योजना कब से प्रभावी होगी? इसके पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें इन तीनों बैंकों को विलय की मंजूरी दी गई थी तो अब यह योजना कब से प्रभावी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और यह योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगी। तो जो अब बात हुई है 1 अप्रैल की, तो आपको मैं एक बहुत बता दूं, वित्तीय वर्ष आपने सुना होगा वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष का जो समय होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो समय होता है उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। परीक्षाओं में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष का समय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो बीच का समय होता है उसे ही हम वित्तीय वर्ष कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत आर्थिक भगौड़ा घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों विजय माल्या। विजय माल्या को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आर्थिक भगौड़ा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 के फाइनल में कौन सी टीम उप विजेता रही है? कौन सी टीम आपको बताना है उप विजेता रही है। यहां पे विजेता नहीं पूछा गया है, यहां पे उप विजेता पूछा गया है। कभी कभी सवालों को थोड़े से घुमा करके विजेता ना पूछ करके उप विजेता पूछ लिया जाता है, वहां पे भी आपको ध्यान देना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात फॉर्चून जायंट्स। गुजरात फॉर्चून जायंट्स प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 के उप विजेता रही है। क्या रही है दोस्तों? उप विजेता। और इसका जो विजेता टीम है बेंगलुरु बुल्स, जो पहली बार प्रो कबड्डी लीग को पहली बार अपने नाम किया है सीजन 6 में। तो ये क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, तो आप याद रखिए कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 का उप विजेता टीम यदि पूछा जाए तो गुजरात फॉर्चून जायंट्स, और यदि विजेता टीम पूछा जाए तो बेंगलुरु बुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आपको बताना है हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आपको बताना है इसमें हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। जी दोस्तों, अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। तो वो 5 लोग कौन कौन है मैं आपको सब बता देता हूं। इसमें मैंने 3 ऑप्शन ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, 2 ऑप्शन इसमें मैंने कलेक्ट नहीं किया है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो आप उसे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल को हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चित्रा मुद्गल को हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अनीस सलीम को इंग्लिश साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। रमाकांत शुक्ल को संस्कृत साहित्य के लिए दिया गया है। और इसके बाद 2 लोग और हैं, तो 2 लोग कौन है मैं आपको बता देता हूं। एक है रहमान अब्बास जिनको उर्दू के लिए दिया गया है, और एक है मोहनजीत जिनको पंजाबी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, इन 5 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो इस बार यह एन राम को दिया गया है। एन राम को उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 27वां, यहां पे एक टर्म्स दिया है 27वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? दोस्तों एग्जाम में ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है और ऐसे भी टर्म्स आपको देख लेना है। इसमें पूछा है 27वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ममता कालिया। ममता कालिया को 27वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह पुरस्कार कब दिया गया है। यह पुरस्कार सन 2018 में दिया गया है, और यह जो व्यास सम्मान है सन 2017 का है। सन 2017 का व्यास सम्मान सन 2018 में दिया गया है, और सन 2018 में अब सन 2018 का व्यास सम्मान अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे 23वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? आपको पता होना चाहिए, ये देखिए 23वां सॉलिसिटर जनरल। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं या सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो सॉलिसिटर जनरल यह भारत का महान, यह भारत के जो महान न्यायवादी होता है उसके अधीन पोस्ट होता है, यानी कि जो इसकी नियुक्ति होती है वह भारत का महान न्यायवादी करता है, और उसकी सहायता करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। तो वर्तमान में अभी यानी कि वर्तमान में जो यानी कि 23वां यानी जो अभी वर्तमान में तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है हाल ही में किसे भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चयनित किया गया है? आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को सेलेक्ट किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। और जब भी महिला क्रिकेट की बात आती है तो आपको एक क्वेश्चन तुरंत क्लिक करना चाहिए कि नादिया एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाते हैं। तो नादिया एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी को जाना जाता है, नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर क्लिक करना चाहिए, और जब भी महिला क्रिकेट खिलाड़ी की बात हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा जालंधर। जालंधर, अब जालंधर कहां है? तो जालंधर है पंजाब में। अब आज दोस्तों आई है बात पंजाब की, तो आप मैप में देखिए, यह है पंजाब और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब के अभी वर्तमान के सीएम है अमरिंदर सिंह, और पंजाब के गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपको बताना है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुनील कुमार अरोड़ा। अभी इसके राइट आंसर होंगे सुनील कुमार अरोड़ा। तो दोस्तों ये 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके पहले जो 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे। तो इसके जो पहले थे यानी कि 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो थे ओपी रावत। अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख अधिकारी होते हैं, और जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कभी कभी इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत वटवानी। ये हैं भारत वटवानी, और इन्हीं को अभी वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपन्यास मिल्कमैन को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा एना बंस। एना बंस मिल्कमैन की लेखिका है, और इसी उपन्यास पर इन्हें मैन बुकर अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? आपको बताना है 90वें ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेप ऑफ वाटर। इसका राइट आंसर है द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर को 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके पहले अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि यूनेस्को का फुल नाम क्या है, तो आप मेरे साथ फिर बोलिए यूनेस्को का फुल नाम क्या है। यूनेस्को का फुल नाम है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को के प्रेसिडेंट कौन है? यूनेस्को के प्रेसिडेंट है अड्रिव अजोले। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस यानी कि फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत राज्य में अगले 4 महीनों में 100 गौशाला खोलने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत अगले 4 महीनों में 100 गौशाला खोलने का निर्णय लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को निम्न में से किसके द्वारा पेश किया जाएगा? आपको बताना है हाल ही में वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को निम्न में से किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। यानी कि अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट को पेश किया है, और अभी हमारे हाल के, अभी हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, और जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वही बजट को पेश करते हैं, पर किन्हीं विशेष कारणों से इस बार कार्यभार पीयूष गोयल को दिया गया, जिसके कारण अंतरिम बजट को संसद में पीयूष गोयल ने पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF को 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 31,000 रुपए। केंद्र सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए, यानी कि इसमें 6,000 रुपए की बढ़ोतरी की, और 6,000 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT टीम ने नदी धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया है? अब इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने नदी धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने किस राज्य में पहली बार स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। अब दोस्तों बात आई है सिक्किम की, तो मैप में देखिए, यह है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं पवन चामलिंग, और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो यह है आपके लिए सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन बनी है, उसका नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, और आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि जो आप एक बार लिख देते हैं, जो चीजें आप एक बार लिख देते हैं, फिर उसे आप कभी नहीं भूलते। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर की वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं व्हाट्सएप या फेसबुक, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी। अब जब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, तो आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरे हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट चॉइस डिक्शनरी इज ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।